हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक अच्छे होंगे। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, बाहर निकलिए, बहुत इमरजेंसी हो तभी निकलिए और मास्क लगा के निकलिए। चलिए आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज़ देख लेते हैं। दो हमारे पास न्यूज़ है। पहली न्यूज़ बीएड को लेकर के है, दूसरी न्यूज़ शिक्षा मित्र को लेकर के है। बीएड में जिन लोगों को एंट्रेंस एग्जाम देना था, वेट कर रहे थे, उनकी जो एग्जाम की डेट है वो बिल्कुल फिक्स हो चुकी है, आ चुकी है। और दूसरी जो न्यूज़ है वो है शिक्षा मित्र के लिए, खाई कोर्ट ने क्या कहा है वो देखते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा, ठीक है? वीडियो को लाइक करिए, शेयर जरूर करिएगा ताकि सभी तक की न्यूज पहुंच जाए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर देख लेते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे हम अपनी पहली न्यूज को ले लेते हैं। जी हाँ, और हमारी जो पहली न्यूज है वो है 9 अगस्त को होगी बीएड प्रवेश परीक्षा, तैयारियां तेज से। जी हाँ, क्योंकि बीएड कोर्स जो यूपी में होने वाला है उसको करा रहा है यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी, और कोविड-19 की वजह से ये एग्ज़ाम जो है पहले जुलाई में होने थे, जुलाई के बाद ये डेट आगे बढ़ा दी गई है। तो यहाँ पे स्पष्ट तौर पे है कि 9 अगस्त को होगी बीएड प्रवेश परीक्षा। बीएड कोर्स में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली राज्य प्रवेश परीक्षा 9 अगस्त को ही आयोजित की जाएगी। प्रवेश परीक्षा का आयोजन कर रहे लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित की गई तारीख पर उच्च शिक्षा विभाग ने बुधवार को अपनी मोहर जो है लगा दी है। पहले जो परीक्षा थी 29 जुलाई को होनी थी, लेकिन इसे बढ़ा दिया गया है। तो अब जो डेट निकल के सामने आ रही है, अभी एक कयास चल रहा था कि हो सकता है ये डेट अगस्त में जो दी गई थी उसमें ना हो के सितंबर या अक्टूबर में हो, क्योंकि कोविड-19 बहुत तेजी से कोरोना फैल रहा है। लेकिन अब यहाँ पे 9 अगस्त की डेट को मोहर लगा दी गई है, तो मतलब कि अब 9 अगस्त को ही बीएड की प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस एग्जाम होंगे, ये आप जान लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब एक हम दूसरी न्यूज भी ले लेते हैं, जो कि आपके सहायक शिक्षा मित्र जो हुई थी 69,000 वाली, उसको देख लेते हैं। तो दूसरी न्यूज ये है कि शिक्षा मित्रों के लिए 65% कट आप बहुत अधिक है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में शिक्षा मित्रों की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि परीक्षा में योग्यता मानदंड में 65% अंकों का कट आप बहुत अधिक है। जी हाँ, इससे शिक्षा मित्र को 25 अंकों के वेटेज का लाभ नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा है कि जो 65% अंक रखे गए हैं कट ऑफ के लिए वो बहुत ज़्यादा है, मतलब इसको कम किया जाए। और यहाँ पे कोर्ट ने ये भी कहा है कि वह बीएड अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल किए जाने के मुद्दे पर विचार नहीं करेगा। क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का भी कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि अब जो है बीएड एंड डीएलएड यानी बीएड वालों को प्राइमरी लेवल में भी शामिल कर लिया गया है, तो सीधी सी बात है उसके लिए एलिजिबल है और वो फॉर्म भरेंगे, भर भी दिए हैं। अब आप जब एग्जाम हो गए, रिजल्ट आ गया है, तब आप इसका विरोध कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि बीएड के मुद्दे पर सही समय पर चुनौती क्यों नहीं दी गई, और मामले पर बहस गुरुवार को भी जारी रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यदि आपको बीएड वालों से कोई प्रॉब्लम थी, परेशानी थी, तो आपको उस वक्त अर्जी देनी चाहिए जिस वक्त ये फॉर्म भरे जा रहे थे। अब तो रिजल्ट भी आ गया, अब रिजल्ट आने के बाद आप कह रहे हैं कि बीएड वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, उनको क्यों दिया गया, तो ये बात गलत है। लेकिन इस मामले पर जो है गुरुवार को बहस थोड़ी की जाएगी। आगे उन्होंने कहा है कि शिक्षा मित्रों ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर भर्ती परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक सामान वर्ग के लिए 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 60% रखे जाने को चुनौती दी है। तो हाई कोर्ट ने न्यूनतम अंक तय करने को सही ठहराया था और प्रदेश सरकार को भर्ती की इजाजत दे दी थी। तो शिक्षा मित्र जो है वो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, हाई कोर्ट ने क्या किया था कि जो 65% आरक्षित वर्ग और 60% जो है किसके लिए, अनारक्षित वर्ग के लिए 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 60% रखे थे, और हाई कोर्ट ने न्यूनतम अंक तय करने को सही ठहराया था। तो इसको चुनौती दी गई थी, जिसको उन्होंने बिल्कुल इजाजत सरकार को भर्ती की इजाजत दे दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में दिए अंतरिम आदेश में प्रदेश सरकार को 37,339 पर शिक्षा मित्रों के लिए खाली रखने को कहा था। उन्होंने कहा था कि 69,000 जो भर्ती हो रही है, 69,000, उसमें से आप 37,339 पद जो है वो खाली रखें, और इसके बाद जो और पद बच रहे हैं उनको आप जो है भर दीजिए, और बाकी पदों पर भर्ती जारी रखने की इजाजत दे दी थी। क्योंकि यहाँ पे जो मामला था वो अटक गया था 65% और 60% वाले मामले
मामले में आकर के। तो यहाँ पे जो है बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि यहाँ पे शिक्षा मित्रों के लिए जो 65% कट ऑफ था वो बहुत अधिक है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी इस चीज को कहा है और उसने ये कहा है कि अगर 65% आप कट ऑफ रखेंगे तो शिक्षा मित्र को 25 अंकों का जो वेटेज का लाभ मिलने वाला है वो नहीं मिल पाएगा। और आज जो है गुरुवार है तो आज भी इसकी सुनवाई की जाएगी, जो कुछ होगा कल पता चलेगा फाइनल। तो दो न्यूज आज सामने निकल के आ रही है। पहली न्यूज ये निकल के आ रही है कि जिन जो लोग बीएड यूपी से करना चाह रहे हैं, यूपी बीएड का फॉर्म जिन्होंने भरा था एंट्रेंस एग्जाम का, उनके एग्जाम जो है 9 अगस्त को ही होंगे, अब आगे डेट नहीं बढ़ाई जाएगी, बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। तो आप अपनी प्रिपरेशन अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए। मैं भी कुछ आपके लिए और क्वेश्चन पेपर लेके आऊंगी, ठीक है ना। और इधर जो है 69,000 जो भर्ती हुई थी वहाँ शिक्षा मित्रों के लिए 65% कट ऑफ बहुत अधिक है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा है। बाकी जो कुछ भी होगा उसके बारे में आज के जो बहस है उसमें जारी की जाएगी, आज भी बहस जारी रहेगी तो उसमें पता चलेगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।